और आज का अस्सलाम वालेकुम गाइस, और ये जवेरिया प्लीज थाली टेबल देखो, देखिए आ गई। आज का व्लॉग ना मैं अकेले ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि घर पे आज कोई नहीं है और 5 बजने को है। तो आज मैं ना क्या फिरा रही हूँ, चना पुलाव। जी हाँ, कल चने बच गए थे, सिर्फ आलू का मसाले गोलगप्पे के साथ खाया गया था, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना उससे पुलाव बनाया जाए, बिल्कुल मेरे स्टाइल का और बहुत मजे का। फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपना जुगाड़ी पुलाव। और व्लॉग स्टार्ट कर दिया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, कर दो यार, कर दो। मम्मी आई हैं कुछ सौदा सेल्फ लेकर। अम्मी हमारे लिए जी और मेरे लिए खजला, खजला नहीं कहते ना अम्मी इसको, फैनी, खजला फैनी लेकर आई हैं। यम्मी यम्मी चावल भिगे हुए रखे हुए हैं, मेरे ख्याल से चने हैं, और ये प्याज वगैरह सब कुछ रेडी है, बस इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अम्मी से कहा था कि भाई अम्मी शाश्लिक बनाऊंगी, तो अम्मी ग्रीन अनियंस लेकर आ गई हैं और साथ में गाजर, तो उसके लिए अम्मी थैंक यू। दूध ये रखा हुआ है और ये स्ट्रॉबेरीज हैं, तो इसका हम शेक बनाने वाले हैं आज। ओ यम्मी। भाई किचन में आ गए हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं पुलाव की। चूल्हे पे कढ़ाई जल रही है पागलों की तरह और अम्मी चिल्ला रही है कि तुमने ऐसे ही रख दिया है, तो बस जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस चाहे कितने भी चावल हों, मैं सिर्फ एक टमाटर डालती हूँ, ज़्यादा टमाटर डालने से फिर रंग लाल हो जाता है। बचे हुए चने मैंने डाल दिए हैं, ये थोड़े थोड़े हल्के कच्चे भी थे, लेकिन चावल में जाकर देखना पता नहीं चलेगा। तो मैंने मशवरा दिया था कि ज़ाया हो जाएंगे चने, तो मुझे लगा चने के लिए हमें नहीं बनाना। आपने आज मशवरा दिया था, वैसे मेरे जहन में भी नहीं था, मैंने बोला अल्लाह चने ज़ाया हो गए अम्मी कितना मारेंगी। बिल्कुल अम्मी दही तो ला दें यार, दही पूरा था, आपको दही ला के दिया, ला के दे दें। और ये क्या खा रही हैं? दलिया है अम्मी ना, अम्मी को दूध बना है ना, तो अम्मी पानी में दलिया बनाती हैं और बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाल दी। ये चावल हम डाल रहे हैं, पानी के साथ ही मैं डाल देती हूँ, अम्मी बोलती हैं कि डालना है, ऐसी चाहिए। अब हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी शेक। ये है लाल लाल स्ट्रॉबेरीज और ये है सफ़ेद सफ़ेद दूध। जी तो मैंने जो पुलाव बनाया उसको बस दम लग रहा है, और उस वक्त तक सोचा कि शेक बना ले, तो भाभी शेक बना रही हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। इजी सी रेसिपी है, हम नॉर्मल सिंपल से शेक बनाएंगे, लेकिन उसमें चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम वो भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी दम लगेगा, उसके बाद फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको पुलाव की। ये पापड़ भी है आज फिर से, आज फिर से पानी पूरी भी बनेगी, क्योंकि पानी पूरी का तमाम सामान बचा हुआ था, तो फिर सोचा कि भाई दोबारा से पानी पूरी बना लें। क्यों भाई पानी पूरी का सारा सामान, कल ना हम लोग ये ग्रीन चटनी डालना भूल गए थे, तो आज ये ग्रीन चटनी भी है। और ये वाली हम लाए थे न्यू कैचअप की बॉटल, ये ऐसी बॉटल है, बड़ी प्यारी लगती है, और इसके साथ इसका नन्नू सा कैप भी है ना। कोड़े होने वाले हैं, ये एक बैच डाला है, फिर उसके बाद और दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, इधर देखो, इधर देखो गाइस, जवीरे को देखिए आ गई है, इतनी प्यारी लग रही है ऊपर से लेके नीचे तक। जी हाँ, मेकअप करके गई थी, दिखाओ जरा फेस, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, जरा देखो जरा लोगों को। गाइस अफ्तारी में बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है, जवीरे भी आ गई है, हाय जवीरिया। तो बस अब स्टार्ट करेंगे अफ्तारी, और मेरे मतलब कम चीज़ें बनाना बहुत बना लिया था कल, हाँ तेल कितना ज़्यादा हुआ था कल, तो अम्मी की वजह से गुस्सा करती है ना अम्मी, यही तो अच्छी बात है आपकी। ये हमारा गुगू है, और जब भी आप देखोगे तो उसका एंटीना मतलब कि हाथ ऐसा ही आपको नज़र आएगा।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, इसका अटायर देखें, कह रहा है बस कर दो वीडियो बहुत बना लिए कम, बस खत्म। अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई और मुन्ना यहाँ पर सब ने इफ्तारी खोल ली है और जब सब मिलकर बैठकर खाते हैं ना तो एक बहुत ही अच्छा फ़ील आता है और एक यूनिटी फ़ील होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था और अम्मी भी बहुत खुश लग रही। और यहाँ पर लाइक ऑलवेज मुंतहा अपना गोलगप्पा ट्राई करने वाली है। नहीं नहीं, आपको ये लग रहा है तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो बहुत सारे बना के रख रही है अपनी बहन से, इतना जो प्यार करती है मतलब मेरे लिए भी बना रही है और अपने लिए भी, ताकि उसने कहा कि जवीरिया से खाने में ना आसानी हो। और यहाँ पर जो गोलगप्पे मुंतहा ने आसानी के लिए के रखे थे मैं वही खा रही हूँ। उसमें कुछ कुछ ना काफ़ी बड़े थे और कुछ कुछ छोटे भी थे। छोटे वाले खाने में ना बहुत ही अपना वाइब होता है, वो पूरे मुंह में ना आसानी से चले जाते हैं और टेस्ट आपको ना बहुत अच्छा आता है। मैं तो भाई जो भी खाती हूँ ना टेस्ट के लिए खाती हूँ, वरना वैसे नहीं खाती। आप लोग बताइएगा, आप लोग टेस्ट के लिए खाते हैं या फिर आप लोग बस खाना समझ के न्यूट्रिशन प्रोटीन्स वगैरह लेने के लिए खाते हैं। और यहाँ पर हमारा क्यूट सा बेबी माशाल्लाह है, कितना प्यारा लग रहा है। और कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है जैसे बासिल है माँ सफदा का बेटा, सेम वैसे ही लगता है ये। वेलकम बैक टू रमजान डे 4। और आज का दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ब्लॉग को लाइक कर दो यार, कर दो लाइक। पिछली वीडियो में मैंने बोला था लेकिन किसी ने भी नहीं किया था। अरे किया था पहले से ज्यादा लोगों ने किया था। तो चलिए जी किचन में सब चीजें। तो ये स्प्रिंग रोल्स के लिए मैंने बना लिया है मवाद। मेनू नहीं पता, आप ही क्या बना रही है? आप ही क्या बना रही हो? चाट। उसमें क्या क्या होगा? चने होंगे, फुल्कियाँ होंगी, आलू। चाट बना रही है जिसमें इमली का पर्दा थोड़ा सा ये लग रहा है। चाट पर बगार हमने पिछली बार जो फर्स्ट रोज़ बनाया था इस मिर्चों को आलू के साथ, लेकिन अब ना ये आप ही चाट मसाले कोई मिक्सचर टाइप बनाती है उसमें बना रहे हैं। मिर्चों को इसमें डुबकी लगवाएंगे, फिर इसको तेल में डुबकी लगवाएंगे और मिर्चों को अच्छी तरीके से जलील करके फ्राई करके फिर हम खाएंगे। ये मैंने बनाई है आज स्प्रिंग अनियंस वाली और फजीता टाइप की स्पेशली। अल्लाह, पैन की हालत को इग्नोर करें, बड़ा ही बकवास पैन हो गया। इससे पहला वाला पैन फेंक दिया हमने, तो यही बचा है, सोचा वैसे यही दिखा दूं। आपसे क्या छुपाना। ये पतीली जो है, ये कढ़ाई हमारी बरसों पुरानी है, इसमें हम तलेंगे। ये पुलके का मसाला कहाँ पे? पुलके का मसाला ये मैंने बोल दिया कि ना हरी मिर्च डुबकी फ्राई करेंगे इसमें, तो दोनों चीजों का एक ही। बोल रही हूँ कैसे बनाना है। मैंने स्प्रिंग रोल बनाने के लिए दिए और बाजी जी को पता ही नहीं कि कैसे बनाना है। भाई देखो, रुक जाओ, ये देखो, आप ही को डालना नहीं आता तो मैं ही स्टॉप कर करके आपको बता रही हूँ। हाँ, लेकिन इतनी भी ज्यादा मत डालना। अम्मी ने कहा थोड़ी सी बचा लेना, अगली दफा के लिए बना लेंगे अरे नहीं नहीं, स्प्रिंग रोल छोटे होते, बोने होते भाई। अच्छा, बंद करो। हाँ, ये देखें, लास्ट में हम लगा के पूरी पूरी लगाओ। ऐसा लग रहा है कि मैं रेसिपी दे रही हूँ आप लोगों को, मतलब आप लोग भी देख ही जा रहे हो। लाइक कर दो अगर देख रहे हो तो, और देख लिया तो शुक्रिया। गाइस, मैंने आपको बोला कि बस एक रोल बना के दिखा दो, आपने कहा भाई नहीं मैंने फुल्कियाँ बनानी है, तो बस फिर आपने अल्लाह अल्लाह करके एक बना दिया। अब बाकी के मैं खुद बनाऊंगी अपनी मदद। आप जो कहते हैं ना डायलॉग, ये वही पूरा हो रहा है मेरे साथ। भाई देखें, ये छोटी छोटी मुन्नियाँ भल्लियाँ हैं, छोटी छोटी पंजाबी में भल्ले कहते हैं ना, कराची में कहते हैं बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। ये बूंदियाँ बोलते हैं। अच्छा, ये बूंदियाँ हैं आप ही के मुताबिक। बस ये पानी में हमने डाला है और पानी इस तरह से निकाल निकाल के हम इस तरह से इसे दही में डाल देते हैं। ये हमारी है रेसिपी। हमारी तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। तरफ फुल्कियों का काम, दूसरी तरफ मैंने भाभी को बोला भाभी थोड़े से ये कर दे। अच्छा, ये पांच निकले थे जिसमें हमारे घर में लड़ाई होती बहनों में, इसलिए फिर मैंने दो समोसे बनाए। ये रेडी हो गए, इसे साइड पे करते हैं, बगाड़ लगा है ना। जी आधा घंटा ही है। हाँ, मतलब बुझबुझी हो जाती है, लास्ट में डाल लेना। देख लो, मैंने सारे रोल फ्राई कर लिए और यहाँ जी बचे हुए समोसे फ्राई हो रहे हैं। टुडेज अफ्तारी टेबल हमारे नेबर्स से आए और ये हमारा है गुगू। और गुगू किसके साथ आया है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप साहबजादे? बेजार आ रहे हैं, कह रहे हैं अभी इनको रोजा खोलना है। मुसलमानों, आज अफ्तार खुल गया है। रोजे वाले लोग, आज हम करेंगे खजूर से रोजा। सुमेरा आपी अभी तक यही डाल रही, फिर बाद में बोलेगी मुझे तो समोसे मिले नहीं, मुझे तो रोल मिला ही नहीं। समोसे तुम्हें पसंद है? तारी डन 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 डन। अम्मी जान, कैसे लगे आपको समोसे और रोल? बहुत जबरदस्त।
सब ने रोल समोसे की तारीफ करी और सारे रोल समोसे नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन हाँ, तो मैंने आप की मिर्चें बची है, देखो जरा लॉ कल कैसे पकोड़े जला दिए थे। हालांकि अम्मी को खाना अलाउ नहीं, लेकिन अम्मी ने फिर भी खाया है ना। अम्मी तो कैसे बने थे रोल समोसे? खिंचने वाले नहीं, जो हम बाजार से खाते हैं वो खिंचता है ना, उसकी जो पट्टी होती है समोसे। अब तू इसकी तो इस चीज़ को मेरा बुरा कह रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हरकतें कर रही है। भी सबसे बता दो, सवाब मिलेगा। तो टुडे इज फिफ्थ रमजान करीम और अफ्तारी कर लिए, थोड़ा व्लॉग भी बना लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कि क्या ही चल रहा है जिंदगी में। आज हमें मार्केट जाना था क्योंकि ड्रेसेस चेंज कराने थे। तो ये वाला ड्रेस है, मिरर वर्क हुआ है, इसका बॉटम बहुत जबरदस्त है। ये हम जिया के लिए लेकर आए थे, लेकिन जवीरे को ये पसंद नहीं आया। तेरे बिन में मुर्तसिम का कोई भाई है तो वो कोट पहनता है इस तरह का, तो वो कह दी कि उसके जैसा लग रहा है। 2500 का ड्रेस लिया था, ये वाला ड्रेस भी मैंने तकरीबन 2500 का लिया था। ये है लॉन्ग शर्ट, खुला खुला, मतलब मजे का, पूरा स्ट्रेट बॉटम है। हमने अपनी टेबल इस साइड पे रख दी है गाइज, और ये जवेरिया है, बहुत ही क्यूट सी लग रही है। भाग जाओ गाइज, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ बिकॉज मेरा है जी जूलॉजी का पेपर। पेपर वाला दिन आएगा, मैं कहूंगी मैं तैयारी नहीं है मम्मी, प्लीज पेपर नहीं देना। पूरा एक दिन मम्मी से बहस करूंगी और जवीर को उस वक्त मैं नहीं पढ़ने दूंगी, और पूरे दिन मम्मी से बातें करूंगी जिसकी वजह से जवीर को बेटा पड़ेगा बाहर। जाओ जाओ जाओ, पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। ये जो है ना, आई थिंक तकरीबन 11 बजने वाले हैं, 10 बज के समथिंग मिनट्स हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुंतहा साहिबा जो है ना, इनको जब भूख लगती है ना तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं अपने लिए। नॉट झूठ ना तुम्हारे बाहर की ब्रेड से बचा हुआ। ये जो उस दिन मैंने फिलिंग बनाई थी ना, लोगों को रोल में खिला के डाल के, हाँ वो बहुत मजे की। ये बचा हुआ ब्लू बैंड का, ना ही से मक्खन कहते हैं ना ही से मार्जिन कहते हैं, इसे कहते हैं एनिमल फैट, बल्कि एनिमल फैट भी नहीं होता। इसमें हमने जो ट्रायंगल वाला प्लेट होती है ना वो लगा ली है। तो पीपल की उंगली सिर्फ इतनी सी आई थी, और उसने कहा जवेरिया मेरी उंगली, भागते हुए दिमाग में बड़ा कुछ सोच कर, इतना बड़ा छोटा सोच क्या थी। और ये भी बहुत ही बड़ी चीज है, नहीं मैं मेरा पकड़ के ना रही, ये मेरी बात चल रही है। दिखाओ कहाँ घूट रखा, इधर मेरा घूट रखा, इसमें पलड़ा मेरे ऊपर भारी। मैंने बोला कि तुम्हारी उंगली चिपटी हो जानी चाहिए थी, तो कह रही है खुला मन नहीं पकड़ा है। गाइस सैंडविच बन गया है, थोड़ा पीछे से ज्यादा चल गया। प्यारी व्यूअर्स, दुआ मांगे प्लीज सैंडविच अच्छा बने। गाइस इस नदीदी को मैंने बोला कि थोड़ी देर रुक जा, पहले मैं ये प्लेट का लुक बना लूं, कि नहीं रुका ही नहीं जा रहा, इतना मजे का सैंडविच लग रहा है, खाते के खाते के खाते के खाते। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी खाती हूँ। गाइस दिखा देती हूँ सैंडविच दिखने में ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, वेलकम बैक टू रमजान डे 6। आज का मेन्यू बहुत ही डिफरेंट सा है, क्योंकि आज ना अम्मी ने भी कुछ बनाया है और मैं बना रही हूँ जी बेक्ड आइटम। अम्मी और आप घर पे नहीं है, बाजार गए हुए, उन दोनों ने सोचा था कि आज ना मेरा सूट वापस करवाने जाएंगे जो पीछे रखा हुआ है, लेकिन वो लोग नहीं गए। और जवेरिया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या क्या कर रही हो? देख लो देख लो ये, और बताओ और बताओ। जवीरा कह रही है मुझे फिर दोबारा कैप्चर करो, लेकिन मैं ये नहीं करने वाली, क्योंकि बस टाइम नहीं है, 5 बजने को है और मुझे जाके बेकिंग करनी है, मतलब कि आज मैं बनाऊंगी। तो किचन में पता चलेगा नहीं है, पहले ये क्या नहीं है, हां तो पढ़ भी तो रही थी, अम्मी को आने दो। अच्छा गाइस, ये जो है ये बंदी हमेशा ये कहती रहती है कि अम्मी को आने दो, मैं कुछ गाइड लगाऊंगी, तो मैं इसी बात से डरती हूं, मुझे डरने का कोई शौक नहीं। तो चले चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या बनाना है। तो मैं चिकन बंस बना रही हूं, तो उसके लिए राइस ओवर डो, बटर का मिक्सचर, सॉस, वेजिटेबल वाली चिकन, वो बनाना उसको बहुत ही मुश्किल है। इसे मारेंगे, हाँ मेरा वर्ड मारेगा, क्या करेंगे इसे मारेंगे। ये पेड़ों की तबाही हो चुकी है, और ये तबाही आप ही ने की है, पीछे जो जितने भी बर्तन रखे उसे इग्नोर करें, इग्नोर करें, किचन का मतलब किचन होता है, इग्नोर करने का मतलब नहीं होता। आप ही अब अपनी प्रो मैक्स सी दिखा रही है, गोल गोल से क्यूट पेड़ा बना रही है। आप ही यहाँ पर बना रही है और मैं इसको देख रही हूँ। गाइस रोल करना तो आप ही को आता वाता है नहीं, मैंने कहा मैं रोल के दिखा दूँ, फीलिंग इससे इतनी भर दी है मैंने। एक हाथ में वो लड्डू, या तो मेरे बंस को लड्डू कह रही हूँ, जब ये अपनी शेप पकड़ेंगे ना, ब्राउन होंगे, फिर तुम उसको लड्डू बोलोगे, तुम खाना मत, लड्डू लाना भाड़ी। आपने किचन में कोहराम मचा के रखा है, बर्तन गिरा दिए, इधर उधर कर रही है, वो हमने पतीला प्लेट करने में रखा हुआ, क्योंकि हम बनाएंगे विदाउट अवन। ये बिरयानी में देखो सॉस डाला नहीं है, क्या हो गया, तुमने पूरी तरह तुम सॉस डालो, झूठी कर रही हो, झूठी कहेंगे। गाइस ये पैन में ही सॉस हम रख के बना रहे हैं, फिर बाकी जो उसमें से बचेगा ना, फिर पैन में रखेंगे,
बर्तन तुम धोगी हो? जो बात है हाँ, वरना अच्छा ये ना बघारे चावल है और ये खाएंगे हम किसके साथ पता ही नहीं होगा किसके साथ खाएंगे? नहीं पता। दाल के साथ खाएंगे। गाइस चीज तो हम डालना ही भूल गए। गाइस लाइन रेडी है पूरी। ये देखिए मैंने बंस बना लिए हैं। यहाँ पर ना चार बेस बच गई हैं तो इसका मैं पिज्जा बनाऊंगी ना मैं कवर करूंगी और ये फूल जाएंगे ना तो साथ साथ जुड़ जाएंगे तो एक तरह से ना हनी कॉम जैसी शेप आ जाएगी। इसे हम रखेंगे अपने देसी ओवन में। देसी लोगों की देसी जुगाड़ स्टैंड नहीं मिल रहा इसलिए हम उल्टी करके स्टील की प्लेट रख रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे और उस पतीले से 45 मिनट्स बाद। इस टाइम बज रहे हैं 6:40। रोज़ा तो खुलने ही वाला है और अभी तक हमारे बंस नहीं बने क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस तरह से जुकाड़ी तरीके से बनाने में। तो मुझे नहीं लगता कि हम अफ्तारी में खा पाएंगे, अफ्तारी के बाद ही खा सकेंगे। और बाकी यहाँ दाल गर्म हो रही है, चावल दिखा, ये रहे जी चावल, पुलाव मसाला डाल के बनाओ। आह तो मज़े के लगते हैं। तो अभी आप ही इतनी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हम दाल चावल ही खाएंगे इफ्तारी में। तो गरम करें दाल और दाल चावल भी। बिल्कुल शाही लोग खाना क्या होता है पता है ना? नहीं, दाल और जो बासी रोटी होती है ना कल ही परसों पड़ी थी चूर के खाना, उसे बोलते शाही खाना। अच्छा जी अब इतना भी शाही नहीं करते ज्यादा शाही कर दिया। सॉरी गाइस माफ कीजिएगा दिल लगने के लिए क्योंकि अभी हालात ऐसे है ना कौम के, हालात ऐसे है मेरे कौम के पता ही है आपको। सफेद पड़ गए, पैसों की कमी है इनके पास, देखे जरा नजर ही आता है। ये हमारा चिंटू है जो कि यहाँ मजे ले लेके सो रहा है। ये दुनिया देखता छोटा बच्चा हमारा। बस दुनिया देखता है, दुनिया दिखा कर लाई तो ये सो गया। जल्दी टेक्नोलॉजी है।